एनएसएस का जो सरकार है वो बार बार कोशिश कर रहा है कि उनकी जो आवाज़ है वो कुचाला जाए, उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कुचाला जाए। और उनकी जब आइडेंटिटी की असर्शन हो रही है तब ये लोग नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी की असर्शन हो। लेकिन हम आरएसएस और भाजपा को बार बार बताना चाहते हैं कि जब जब आप ये वायलेंस अनलिश करोगे तब तब हमारी जो आइडेंटिटी है वो हम असर्ट करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक आप मानते हो कि हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश में जीते हैं, हम भी बेदौर नागरिक। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें वो राइट देता है इक्वल सिटीजनशिप का। चाहे आपकी मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच ये मानता ना हो, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान ये मानता है। और हम ये मानते हैं कि हमारी जो आइडेंटिटी है यही हमारी पहचान है और यही आने वाले टाइम में एक असर्शन और एक रेजिस्टेंस बन के आरएसएस और भाजपा की जो सरकार है उसको चूर चूर कर देगा। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है कि नजीब का ये जो इंसिडेंट हुआ था इसको एक सिस्टमिक तरीके से, ये जो आरएसएस और बीजेपी है ये पूरा स्टेट मशीनरी है, ये लग गया है कि नजीब का जो इशू है इसको मिटा दिया जाए। लेकिन जेएनयू कम्युनिटी और ये पूरा देश को, ये जेएनयू कम्युनिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम याद दिलाए कि नजीब को आप ऐसे मिटा नहीं सकते हो। नजीब ये सिर्फ नारा नहीं है हमारे लिए, नजीब हमारे बीच में जीता है और वो जिएगा, क्योंकि आपको नजीब को ढूंढ के लाना पड़ेगा। हम आपकी खोखले रिपोर्ट और आप जिस तरीके से सीबीआई की रिपोर्ट को क्लोजर कर रहे हो हम उसको नहीं मानते हैं। हम जस्टिस के लिए सड़क पे उतरे हैं, संसद पे जाएंगे और कहीं पे भी घेरेंगे, चाहे ये पिंक पैलेस हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा साथी नजीब वापस चाहिए इस कैंपस में। और हम तब तक ये मांग करेंगे जब तक नजीब हमारे बीच में नहीं आ जाता है। हमने बार बार देखा है पिछले 3 सालों में ये जो आरएसएस बीजेपी और ये जो मामीदार यहाँ पे बैठा हुआ है, कल जब डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग हो रही थी आप लोग बहुत लोग उसमें थे और आपने देखा है कि जो अप्पी है वो बार बार बोल रहे थे कि जब वाइस चांसलर से मिलने आए थे उन्होंने जो बाकी टाइम पे ये बोल देते हैं कि जेएनयू कम्युनिटी इसको जो बीजेपी आरएसएस के एजेंडा है वो यहाँ पे जो लागू करना चाहते वेलकम करते, चाहे हम वेलकम करें ना करें उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो खुद डिसीजन ले लेते हैं कि जेएनयू कम्युनिटी वेलकम करता है। लेकिन जब नजीब के लेके उनकी अप्पी और उनकी अम्मी उनसे मिलने आए तो उन्होंने पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली पुलिस और सीबीआई पे डाल दिया, उन्होंने एक बार भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लिया। बाकी टाइम ये चीखते रहते हैं कि सर्विलेंस है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट करेगा तो इनके कैमरा घूमते रहते हैं ये बोलने के लिए कि ये एंटी नेशनल लोग है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए एंटी नेशनल है, ये पढ़ाई करने वाले लोग नहीं है। लेकिन बार बार इनके मुंह पे तमाचा हम लोगों ने मारा है अपनी स्टूडेंट्स यूनिटी से और बोला है कि आप अपने ये जो चीज़ें हैं और ये मानसिकता है ये अपने शाखा में जाके दिखाना, जेएनयू ये जगह नहीं है। जेएनयू ने हर वक्त आपकी ये पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है और आने वाले टाइम में भी करेगा। तो आप अपना जो प्रैक्टिसेस है, ये जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच है, ये अपने शाखा में जाके दिखाना, ये जगह नहीं है। और इसलिए 3 साल बाद भी ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग असर्ट करें कि नजीब के मामले में किस तरीके से क्यों एक तरीके का बार बार देखा जा रहा है कि स्टेट मशीनरी पर्पसफुली इस केस को आगे ले जाने की कोशिश तक भी नहीं कर रहे हैं। देखा है कि सीबीआई ने तक भी बोला है, जो ऑटो का स्टोरी इन लोगों ने फेम किया था दिल्ली पुलिस में, कल के जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी देखा गया है, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जाके ये बयान दिया है कि जो ऑटो का केस था जिसमें ये बोला गया था कि नजीब ऑटो में चढ़ के जामिया तक गए थे और ये सब फलाना ढमकाना, वो सारी चीज़ भी गलत है और इसको फ्रेम किया गया है। दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि बिना सबूत के ये एक जेएनयू जो प्रेसिडेंट और यहाँ पे जो बाकी स्टूडेंट्स थे उसको जेल में डाल देते हैं, लेकिन इनके पास जब कोई सबूत नहीं होता है और नजीब की ढूंढने की बात आती है तब कुछ भी एक फ्रेमवर्क बना के कुछ भी स्टोरी चला देते हैं। और जो गोदी मीडिया बैठा हुआ है इसने भी क्या किया है, बार बार ये लोग नजीब को इधर उधर और एक टेररिस्ट के फ्रेम में दिखाया है और एक तरीके से उसका फ्रेमिंग पूरे देश में किया गया है। और ये टेररिस्ट की फ्रेमिंग क्यों हुई है, और वो हुई है क्योंकि नजीब एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी चाहता है। और ये हमें याद रखने की जरूरत है कि आज के टाइम पे
क्योंकि नजीब मुस्लिम है, उसको बार बार एक टेररिस्ट के रूप में ये गोदी मीडिया और आरएसएस और बीजेपी बार बार फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ये जो ये लिंचिंग का सरकार है, ये जिस तरीके से लिंच कर रहे हैं, आज भी यूपी भवन में एक प्रोटेस्ट था इन लोगों का जो यूपी में चल रहा है, बहुजन जो कम्युनिटी है उनके ऊपर जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव हो, बाकी सारे जो साथी हैं, जिस तरीके से फेक एनकाउंटर्स किए गए और वहाँ पे सीबीआई चुपचाप है, कोई प्रोब नहीं हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हर एक मामले में इस पूरे देश में जो सीबीआई है वो बिक गया है। जो सरकार है भाजपा और आरएसएस का, ये बार बार कोशिश कर रहे हैं हर एक केस को ये मिटा दे, बुझा दे। आप देखिए एनआरसी में क्या होता है, अमित शाह खुलेआम बंगाल में जाके ये बोल रहा है कि क्रिश्चियन सिख जैन को तो हम देख लेंगे, लेकिन मुस्लिम्स के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। किस तरीके से आसाम में डिटेंशन जो हाउसेज है वो बनाए जा रहे हैं, डिटेंशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, और आज हमें पता है कि कौन से लोग आज थ्रेट में हैं। और इसीलिए इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्वेश्चन को समझें, इस सिचुएशन को समझें, और आने वाले टाइम में एक यूनाइटेड तरीके से, जिस तरीके से आज हमने एक फाइट दिखाया है और आने वाले टाइम में भी फाइट देखेंगे, उसी तरीके इस कैंपस के अंदर, उसी तरीके से हमें बाहर भी ये फाइट दिखाना है। और इस आरएसएस और बीजेपी के जो सरकार है, इसको पूरा सत्ता से हटाना है। इसके साथ मैं अपना बात खत्म करूंगी, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे। कल अम्मी के कॉल पे एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का कॉल है, जिसके लिए जेएनयूएसयू ने भी यूनिवर्सिटी में एक स्ट्राइक का कॉल दिया है। सुबह एकेडमिक काउंसिल का भी मीटिंग है, जैसे आप लोगों को पता है, एक हॉस्टल ड्राफ्ट लेके आए हैं जिसमें यह बोला जा रहा है सर्विलेंस के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे, कि धीरे धीरे शायद ये लोग सीसीटीवी लाएंगे। ये बोला जा रहा है आप कौन से कपड़े पहनेंगे अपने हॉस्टल मेस में। ये बोला जा रहा है आपको बार बार कि अगर आप इस कैंपस में रहना चाहते हो तो 10:30 बजे के अंदर आपको कैंपस के अंदर हॉस्टल्स में घुसना है। और इस आईएचए के द्वारा जो हॉस्टल ड्राफ्ट मैनुअल है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं जेएनयूएसयू की तरफ से। और आने वाले टाइम में इस ड्राफ्ट को अगर इम्प्लीमेंट करने की 1% भी कोशिश की गई है, उसको उसी तमाचे के साथ रिजेक्ट करेंगे और ड्राफ्ट मैनुअल को फाड़ते हुए इस पिंक पैलेस के अंदर घुसा के जाएंगे और बोलेंगे कि कभी ऐसा चीज नहीं माना है। और आने वाले टाइम में भी अगर सुरक्षा की बात करते, सुरक्षा हम अपना देख लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, और आपकी ऐसी सुरक्षा नहीं है कि आप हमें हॉस्टल के अंदर डाल दोगे। इसी के साथ आप लोगों से अपील है कि आप लोग बने रहिए, और कल का जो यूनिवर्सिटी स्ट्राइक है उसको सक्सेसफुल बनाइए, और अम्मी का जो कॉल है जंतर मंतर का 3 बजे, आप लोग सब आइए और हम अम्मी के साथ मार्च करते हैं और प्रोटेस्ट गैदरिंग में हिस्सा लेते हुए होम मिनिस्ट्री में अमित शाह को पूछते, जो होम मिनिस्ट्री है जो देश का सिक्योरिटी इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये नजीब के इशू में इतना किस तरीके से एक स्टेट मशीनरी पूरा लग गया है कि एक तरीके से लूज एटीट्यूड दिखा रहे। इनको बार बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत है अम्मी के साथ कि बार बार ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, अभी तक हमारे बीच में हमारे साथी नजीब वापस क्यों नहीं आया है। इसके साथ अपना बात ख़त्म करूंगी, और इसके पहले अम्मी बोले मैं आफरीन जो जेएनयूएसयू के एसएल के काउंसिलर है उनको बुलाना चाहूंगी कि वो अपना बात करें। के रहते हुए भी हमारे बीच में से एक साथी को मारा गया और पीटा गया,
और उसको गायब किया गया। और इस सब के पीछे कौन था? इस सब के पीछे था इस आरएसएस और आरएसएस के गुंडे जो कल्प्रिट थे, एवीवीपी के लड़के। और उनको क्या पनिशमेंट दिया जाता है इस 3 साल में हम देखते हैं। प्रोक्टर इंक्वायरी में दोषी पाए जाने के बावजूद इस वाइस चांसलर ने और ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा अपना मशीनरी लगा दिया है उन कल्प्रिट्स को बचाने के लिए। और हॉस्टल ट्रांसफर के नाम पे बोलते हैं ये है नजीब के लिए जस्टिस। हम नहीं मानते हैं इसे जस्टिस और इन्हें हमें नहीं मानेंगे। हमारे लिए जस्टिस तभी होगा जब हमारी साथी नजीब हमारे कैंपस में हमारे पास वापस आएंगे, उनके अम्मी के पास वापस आएंगे, तभी हमारा जस्टिस पूरा होगा। और हम उस कल्प्रिट को जेल के अंदर देखेंगे। हम इस जस्टिस को नहीं मानते हैं जहाँ पे बार बार नजीब का आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हुए डिफरेंट स्टोरीज बुने जा रहे हैं इस देश में। आज हमें पता है कि नजीब के ऊपर ये अटैक क्यों है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।